हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और सभी को गुड आफ्टरनून। और अभी तक कितना सेट हो चुका है? 12 सेट हो चुका है, ठीक है। अभी तक कितना सेट हो चुका है? 12 सेट। और आज आपका 13 सेट स्टार्ट होगा, सेट 13 स्टार्ट होगा। इसमें आपका स्पेशल क्या है? इसमें आपको बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। सेट 13 में आपको 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये सारे 30 क्वेश्चन सारे बायो के होंगे, ठीक है, जीव विज्ञान। अभी तक बहुत ऐसा कमेंट आया था कि कहा जा रहा था कि आप लोग बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज आपका सेट 13 में टॉप 30 क्वेश्चन केवल बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं होगा, केवल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा क्वेश्चन रेलवे RRB इस बार जो JEE का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ एग्जाम है, ठीक है। और ग्रुप डी के एग्जाम में जो 2018 में जो ग्रुप डी हुआ था उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉप 30 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है इसमें से कम टारगेट लेकर चलिए 25 प्लस सही करना है, ठीक है। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए और अपने आप को जज करे। कितना सेट है आज का? सेट 13, ठीक है। और अब तक कितना क्वेश्चन हो चुका है? 360 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। कम से कम आपको याद होना चाहिए कि अब तक कितना क्वेश्चन हो चुका है। 360 क्वेश्चन हो चुका है और आज आपका 361 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा उत्तक माध्यमिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। माध्यमिक विकास के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? जाइलम, फाइलम, कैवियम या कॉर्टेक्स? क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये सब क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, ठीक है। जीव विज्ञान का क्वेश्चन आपको केवल रटना है। जितना भी क्वेश्चन है अभी तक टॉप 30 क्वेश्चन होगा ये सभी टॉप 30 क्वेश्चन रट जाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और ये सभी क्वेश्चन आपको रटना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और सारा आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन SSC के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैबियम। क्या होगा इसका आंसर? कैबियम। 361 का क्या होगा? सी, कैबियम। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? माध्यमिक विकास के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक फर्न के एर्गोनोमियम में कितने गर्दन की नालिका कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो कितना होगा इसका आंसर? 1, 2, 3, 4। क्या होगा इसका आंसर? फर्न के गर्दन में कितने कोशिका नालिका पाई जाती है? क्या होगा इसका आंसर? 1, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन में कितना है? 362। इसका आंसर क्या होगा? 1। एक कोशिका नालिका पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक होता है जाइलम और एक होता है फाइलम। इससे दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? पौधों द्वारा भोजन को पहुंचाना। तो जल और एक होता है क्या? जल और क्या होता है? भोजन। तो भोजन को कौन पहुंचाता है और जल को कौन पहुंचाता है? ये जो दो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? भोजन को पहुंचाना है। तो कौन पहुंचाता है? फाइलम। क्या होगा इसका आंसर? फाइलम। ऑप्शन क्या होगा? सी, फाइलम। ठीक है गाइस, अगर भोजन के लिए पूछा जाए तो क्या होगा इसका आंसर? फाइलम। भोजन के लिए पूछा जाए तो, और जल के लिए पूछा जाए मिनरल्स के लिए तो क्या होगा उसका आंसर? जाइलम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वही पूछा गया, ठीक है। पौधे में पानी और खनिज के किसके माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता है? पौधों में पानी और खनिज को किसके माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फाइलम क्या करता है? फूड को पहुंचाता है, ठीक है, भोजन। और जाइलम क्या करता है? मिनरल्स और वाटर को पहुंचाता है। तो क्वेश्चन में कितना है? 364। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए, जाइलम। जाइलम, ठीक है गाइस। जाइलम क्या होता है? जल और खनिज को पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, जल एवं खनिज। अगला क्वेश्चन 365, एपिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक किसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ग्रोथ इन लेंथ। ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में, ठीक है।
ये आंसर आपका बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि लेंथ के लंबाई के वृद्धि में किसके कारण होता है, यानी लंबाई का वृद्धि कौन से उत्तर कारण होता है, तो एपिकल मेरिस्टोमेटिक। क्या होगा? एपिकल मेरिस्टोमेटिक। एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टोमेटिक के द्वारा क्या होता है? लंबाई में वृद्धि होता है, और लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण होता है? एपिकल मेरिस्टोमेटिक। इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नंबर ऑफ स्टोमेटा इज लेस एंड शंकिंग, यानी स्टोमेटा सबसे कम और डूबी हुई किस्में होती है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या दिया आपका? मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और जायरोफाइट्स। क्या होगा इसका आंसर? 366 ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 366 ऑप्शन क्या होगा इसका? डी, जायरोफाइट्स। इसमें क्या होता है? स्टोमेटा कम होता है और डूबा हुआ रहता है, लेस एंड संकीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑर्किड में वेलमेन उत्तक कहां पाया जाता है? तो वेलमेन उत्तक कहां पाया जाता है ऑर्किड में? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन क्या दिया गया है? शूट, रूट, लीफ एंड फ्लावर। क्या होगा इसका आंसर आपका? कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है इसका, रूट। क्या होगा इसका आंसर? रूट। जड़ों में क्या होता है? यह पाया जाता है, ठीक है। रूट जड़ों में यह पाया जाता है, ठीक है, वेलमेन उत्तक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोशिका विभाजन के कारण ग्रीत किसमें ब्रिज का बढ़ जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन क्या दिया है? समयनी उत्तक, मेरिस्टोमेटिक उत्तक, कॉर्टेक्स एंड पीथ। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं। 368 का क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, मेरिस्टोमेटिक उत्तक, ऑप्शन बी, ठीक है, मेरिस्टोमेटिक उत्तक। इसके कारण क्या होता है? पौधों में ग्रीत किस ग्रीत क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुराने पेड़ के तने का अनुप्रस्थ भाग 50 वर्षीय वाले दिखता है, तो इसका मतलब ब्रिज का आयु कितना है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। रिंग, अगर जो ब्रिज में रिंग पाया जाता है, रिंग ये क्या होता है? रिंग से हम लोग क्या करते हैं? एज काउंट करते हैं रिंग से। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? 50, यानी 50 रिंग मिला है, 50 रिंग पाया गया है, तो इसका मतलब कि ब्रिज का आयु कितना है? 50 वर्ष, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा आपका, ऑप्शन सी, 50 वर्ष। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि पौधों की आयु किसके द्वारा हम लोग पहचानते हैं, तो क्या होगा? रिंग के द्वारा, ठीक है, रिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसके उपस्थिति के कारण हाइड्रोफाइट पानी की सतह पर तैरते हैं, यानी हाइड्रोफाइट पानी की सतह पर तैरते हैं किसके कारण? ऑप्शन क्या दिया गया है? केलोनकाइमा, स्केरेनकाइमा, एरोनकाइमा और मेसेकाकाइमा। क्या होगा इसके आंसर? एरनकाइमा। क्या होगा? ऑप्शन सी, एरनकाइमा। एरनकाइमा के कारण आपका हाइड्रोफाइट पानी के सतह पे क्या होता है? तैरता है, ठीक है, हाइड्रोफाइट पानी की सतह पर तैरता है। किसके कारण होता है? एरनकाइमा के कारण, ठीक है। 370 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को क्या माना जाता है? प्रोटीन आपका क्या है? ऑप्शन के अनुसार आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है? बॉडी बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पादक, रेगुलेटर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर आपका? कमेंट करके बताएं। प्रोटीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, बॉडी बनाने के लिए। फैट को कम किया जाता है और प्रोटीन ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन क्या दिया गया है?
कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जाइलम की मध्यमिक भित्ति और कीड़ों की अस्थि प्राचीर। क्या होगा इसका आंसर? 372 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा? कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? कोशिका भित्ति। सेल वॉल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है? गाजर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कैरेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट करके बताए। जुखाम, निमोनिया, मलेरिया या हैजा, क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे क्या पूछा गया? प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है, तो क्या होगा? मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन क्या दिया है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह सुबह सूरज की किरणों को ग्रहण करने से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? क्या होगा इसका आंसर? ये इसका आंसर सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे का कौन सा पोषक तत्व तो होता है? यानी हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें पौधे का कुछ अंश होता है। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व तो होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? 376। क्या होगा इसका आंसर? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रहता। आप लोगों को पिछला सेट में बताया गया था कि हड्डी में आपका कौन सा दो ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है? एक होता है कैल्शियम और क्या होता है? फास्फोरस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? इसको उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? बी, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट इंसुलिन? क्या होगा इसका आंसर आपका? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका और क्या दिया है लास्ट ऑप्शन? बीटा कोशिका। क्या होगा इसका आंसर? बीटा कोशिका। ठीक है गाइस, ऑप्शन क्या दिया है? बीटा कोशिका, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन है? ठीक है, बीटा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव, यहां पर पूछा गया है ब्लड प्रेशर फिलिंग द ब्लैंक्स की दीवारों पर, यानी किसकी दीवारों पर डाला गया दबाव होता है? हार्ट के या वेनिस या धमनियों या कोशिका? क्या होगा इसका आंसर? 378, धमनियों के दीवारों पर डाला गया दबाव होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, धमनियों के दीवारों पर डाला गया दबाव आपका क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, यहां पे वही पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी। मक्खी कौन सी बीमारी फैलाती है? क्या होगा इसका आंसर? जुकाम, मलेरिया, फ्लू या टाइफाइड? क्या होगा इसका आंसर? टाइफाइड, ऑप्शन डी, टाइफाइड। ठीक है, मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है, और मच्छर के कारण तो बहुत सा ऐसा रोग होता है। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लॉकजा निम्न में से किस बीमारी का अंतिम चरण है? ठीक है, यानी सबसे लास्ट स्टेज जो कहा जाता है कौन सी बीमारी का? ये लॉकजा। ऑप्शन क्या दिया गया है? डिप्थीरिया, निमोनिया, सिफिल्स और टेटनस। क्या होगा इसका आंसर? टेटनस। क्या होता है इसका आंसर? टेटनस। ठीक है, इसका अंतिम चरण क्या है आपका? लॉकजा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन मैन, ये तो क्वेश्चन बहुत बार करा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपको दो क्वेश्चन कराया गया था, एक बोर्न बेबी में और एक ह्यूमन बींग, यानी मैन, नॉर्मल
एडल्ट में कितना हड्डियां पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया है, 212, 206, 202 और 200। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206, और न्यू बोर्न बेबी इसमें कितनी हड्डी पाई जाती है ये कमेंट करके बताया, ठीक है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है, ये सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, यानी यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। क्या होगा इसके आंसर, 382। क्या होगा इसके आंसर, ऑप्शन सी, 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी में पाई जाने वाली कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, खोपड़ी में पाई जाने वाली, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रैनियल बोन्स फाउंड इन स्कल, क्या होगा इसका आंसर, 383, 8 होती है, ठीक है, ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 8। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ठीक है, पेयर्स ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन, क्या होगा इसका आंसर, कितना जोड़ा पाया जाता है, 12 जोड़ा, 10 जोड़ा, 14 जोड़ा और 11 जोड़ा, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, 12 जोड़ा, ठीक है, यानी 24, टोटल कितना होगा, 24, ठीक है। यहाँ पे आपको जोड़ा में दिया गया है, अगर इसको आप लोग टोटल काउंट करेंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर 24 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 24 या 12 जोड़ा बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में आहार नली की लंबाई लगभग कितनी होती है, क्या होगा इसका आंसर, कितना लंबा होता है आहार नली, 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट और 30 फीट, क्या होगा इसका आंसर, 385 का आंसर क्या होगा, डी, 30 फीट होता है, ठीक है। यहां पे आपको 30 फीट सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, मीटर में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग चेक करके देखेंगे। यहां पे फीट में अगर पूछा है तो क्या होगा, 30 फीट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, क्या होगा इसका आंसर, नाखून, फिबुला, नाक की हड्डी या स्टेपीज, ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर, स्टेपीज, क्या होगा, स्टेपीज या स्टेप्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, और ये कहां पाया जाता है ये भी कमेंट करके बताएं। ऑप्शन क्या दिया गया है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया हड्डी किस में पाई जाती है, ठीक है, यानी टीबिया हड्डी एक हड्डी है जिसका नाम क्या है, टीबिया, वो कौन से भाग में पाई जाती है, खोपड़ी में या टांग में या वाह में या माउथ में, मुंह में, क्या होगा इसका आंसर, 387। टांगों में क्या होता है, टीबिया हड्डी पाई जाती है, ठीक है, लेग, टीबिया हड्डी, ये टीबिया हड्डी कहां पाई जाती है, टांगों में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये जितना भी टॉप 30 क्वेश्चन कराया जा रहा है सारा आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो सेट 13 है इसको आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपका एक भी फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, सारा आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, क्या होगा इसके आंसर, ये तो क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये जो रिसेंट जेई का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा इसके आंसर, माउथ, क्या होगा, सी, माउथ होगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि इसका आंसर तो स्टोमेज हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। माउथ में क्या होता है, सलाइवा बनता है, ठीक है, तो यहीं से आपका पाचन क्रिया क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मदद से हड्डियों मांसपेशिया से जुड़ी रहती है, यानी कौन ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हड्डी मांसपेशिया से जुड़ा होता है, ठीक है, तो किसके कारण होता है, ऑप्शन क्या होगा इसका, ए, 389, क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी, टेंडन, ठीक है। टेंडन एक ऐसा है, एक ऐसा लिक्विड है जिसके कारण क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण
हड्डियां क्या होता है, मांसपेशियां से जुड़ा होता है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये क्वेश्चन को आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारा ये सेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये आपको अलग अलग करके ये दिया गया है, ठीक है, एक सेट में दिया गया है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगा और इसको आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अगर आपका आएगा तो इस सेट में से आपका क्वेश्चन एक दो लड़ सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये वाला क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं, ठीक है, यानी हाउ मेनी टीथ इन मैन कम्स आउट ट्वाइस, क्या होगा इसका आंसर, दो बार कितने दांत निकलते हैं। ऑप्शन क्या होगा, 390, सी। 20 बार क्या होता है, 20 बार 20 दांत ऐसा होता है, 20 टीथ जो मनुष्य में क्या होता है, दो बार निकलता है, ठीक है, 20। ये नंबर आप लोग याद करके रखिएगा। और हाँ गाइस, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है गाइस, थैंक यू।